गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस सुबह हो चुकी है, हमने अपनी चाय कर ली है खत्म। तो आज का प्लान है कि हम दोपहर में जाएंगे बुर्ज फतेह, विच इज एक्चुअली द टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया। बहुत लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया नहीं है इस जगह को, बट दिस इज द टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया। इवन कुतुब मीनार इज नॉट एज टॉल एज बुर्ज फतेह। तो आज हम जाएंगे वहां, आपको दिखाएंगे हाउ ब्यूटीफुल द मीनार इज। तो कीप वॉचिंग। निकल चुके हैं फॉर फतेह बुर्ज। सो कायरा, आर यू रेडी? यस, ऑल रेडी टू सी? यस। वेयर आर यू गोइंग, डू यू नो? शतमा। हां, शतमा। शतमा, वेयर आर यू गोइंग? आई डोंट नो। से ओके, से आई एम गोइंग टू फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज, ये फतेह बुर्ज। अच्छा, बताएं। नानू नानी भी साथ में है? नानू नानी, सो क्या एक्सपेक्टेशन है मम्मी पापा आपकी? एक्सपेक्टेशन यस, वी आर गोइंग देयर एंड वी विल एंजॉय। You see the war memorial monuments of the great warrior Banda Singh Ji Bahadur. तो रास्ते में जाते जाते पापा को एक सवाल आया है, पूछिए पापा सवाल। सिक्स फीट माइनस फाइव फीट इज इक्वल टू हाउ मच? एक वन फीट। वन फीट ही लग रहा है। वन फीट ही लग रहा है। I'm sorry, you both are wrong. One is never feet, one is always foot. You caught us, Papa. That was a good one. चलो एक तो हमारा मिस आउट हो गया। चलो पापा, इस बार तो जीत के ही रहना है। हाँ, चलो पापा, bring it on. Do you know the table of two? Certainly we do. So okay, tell me the multiplication of 0.2 into 0.2. How much? मेरे को नींद आ रही है, मैं सुबह से सोई नहीं, बहुत नींद आ रही है मेरे को। गौरव कौन से है? वो चला रहा है गाड़ी। 0.04. 0.04. Correct. मैं आया नहीं पापा, पापा ने देखा 0.4 बोल रहा है ना पापा। 95% लोग 0.4 ही बोल रहे हैं। चलो ये तो सामने दिख रहा है हमें। हाँ, फतेह बुर्ज। तो कायरा क्या कहना चाहती है? कायरा कह रही है कि मैं बैंगलोर जाऊंगी अपने स्कूल में, एंड इन गगम। अकॉर्डिंग टू हर, गगम इज एरोप्लेन, दैट्स व्हाट शी स्पॉटेड। गाइस, आ गए हैं हम फतेह बुर्ज। बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट है और इतना शांत माहौल है अभी। एक्चुअली दोपहर का टाइम है, इट इज क्लोज टू 3:30। हमें खाना खा के निकलने में टाइम लग गया। ये जो मीनार है ये एक्चुअली कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार इज ओनली अराउंड 70 meters, पर फतेह बुर्ज इज 100 meters। तो इट्स अ वेरी टॉल मॉन्यूमेंट। और अगर आप देख सकते हैं, मैं अभी पैन करता हूँ टुवर्ड्स द मॉन्यूमेंट, ये आपको दिख रहा होगा, इट्स वेरी प्रिटी। मम्मा आप पढ़ के हमें बताओ कि क्या लिखा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जंगी यादगार चप्पड़गिरी। बाहर से देखने में बहुत सीरीन लग रहा है, वेरी क्वेंट साइलेंट, आई कैन हियर द बर्ड्स चॉपिंग। मजा आएगा, अंदर जाके देखते हैं। तो गाइस, दिस इज द मॉन्यूमेंट, ये आप देख रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। जगह एक्चुअली काफी अच्छे से मेंटेन्ड है, अगर हम देख रहे हैं तो देर आर लॉट ऑफ ग्रीन्स हियर। और यहाँ पे साथ में राइट नेक्स्ट टू इट इज अ वाटर बॉडी, एक झील की तरह इन्होंने बनाया है। ऑल्सो रात को देखने वाला नजारा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट्स होती हैं अंदर। यहाँ पे लाइट शो होता है। हाँ, तो होप सो अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम जरूर आएंगे रात को, और हम दूर से ही आपको एक रात का शॉट दिखा देंगे इसका, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। हम कब से सोच रहे थे आने का, मम्मी पापा भी अभी इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, बट दे हैव नेवर विजिटेड। तो अभी बहुत अच्छा मौका था कि हम सारे आ जाएं एक बार देख लें। ऐसा लग रहा है मम्मा, फाइनली कब से सोचते थे आने का, एंड फाइनली आए हैं। आ जा रहे तो यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी वो बंदा सिंह बहादुर जी जीते थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए मेमोरियल बनाया गया है, और यहाँ पे तभी उनके बहुत सारे स्टैचूज हैं। आज काफी धूप है गाइस,
आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 43 डिग्रीज हियर, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है विच इज अ स्लाइट साइग ऑफ रिलीफ। तो ये जो स्टैचू है वो है भाई बाज सिंह जी का। तो यहाँ पे अगर आप देखें पूरी पेरिफेरी में बहुत सारे स्टैचूज हैं ऑफ ऑल द ग्रेट वॉरियर्स दैट फॉट इन दिस वॉर। कितने सुंदर पेड़ हैं यार, कितने अच्छे और लश ग्रीन। जब जा रहे हैं हम फतेह बुर्ज के अंदर, और ये देखिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है पूरा, दिस इज इन पंजाबी बट इट सेज दिस इज द फतेह बुर्ज। जो हम लाइट्स की बात कर रहे थे गाइज, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे लाइट्स है, ऐसे पूरा पेरिफेरी में ऑल अराउंड द फतेह बुर्ज यू विल फाइंड दीज लाइट, जो इतनी सुंदर लाइटिंग करती हैं शाम के टाइम में, इतना सुंदर हो जाता है। और ये है द इनसाइड्स ऑफ द बुर्ज। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट बनने वाली थी, तो एलिवेटर का काम चल रहा है, आई डोंट नो कब से स्टार्ट हुआ है कब खत्म होगा, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसको। तो इंटेंशन है कि यहाँ से आप ऊपर तक जा पाएंगे और आप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बुर्ज आप देख पाएंगे पूरा नज़ारा कैसा दिखता है। यहाँ पे है ओपन एयर थिएटर, तो अगर आप देखेंगे तो एम्फी थिएटर एक बना रखा है यहाँ पे फॉर एनी फंक्शंस और ट्रेडिशनल फेयर्स दैट नीड टू हैपन। दिस इज द स्टेज, और वहाँ पे बैक डोर यू विल हैव द आर्टिस्ट कमिंग इन, और बैकग्राउंड में दे विल लाइट द होल बुर्ज फतेह और नज़ारा आ जाएगा आप। तो गाइज हमें हो गया ऑलमोस्ट 1.5 घंटा यहाँ पे और सब एकदम थक चुके हैं। लेट्स मीट एवरीवन। हेलो जी, कैसे हाल हैं? टाइट होगी हालत, पर आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। एक एसी लगा देते तो अच्छा हो जाता है ना। नेचुरल एसी अगर होता ना। हाँ, थोड़ा मौसम में एसी सुन रहे हो, ऊपर वाले सुन रहे हो आप। तो एक थोड़ा हमें हाँ थोड़ी ठंडी हवा तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, बट फिर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कम दिखाओ मामा, जूम कर लेते हैं आप पे। वाओ, कायरा को चाहिए भाई, मम्मा के पास जो है वो कायरा को चाहिए ही चाहिए। चलो, कायरा ने ले लिया मेरा फ्लावर भी। कायरा सब आपको मिस कर रहे हैं, हमारे सारे व्यूअर्स आपको बोल रहे हैं से हाय।